सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। खालसा सिरजना दिवस विसाखी मौके जथेदार हरप्रीत सिंह ने पंथ नूं दित्ता संदेश, कहा हर सिख अपने घर विच रखे किरपान। खालसा साजना दिवस मौके तख्त श्री दमदमा साहब विखे वड्डी गिणती विच संगत हुई नतमस्तक, गुरु साहब का लिया आशीर्वाद। जलंधर विच बीजेपी नूं लग्गा वड्डा झटका, मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी विच आम आदमी पार्टी विच शामिल होए महेंद्र भगत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खालसा सिरजना दिवस मौके सिख कौम के चौथे तखत तख्त श्री दमदमा साहब विखे संगत नतमस्तक होने लिए पहुँच रही ने। इस मौके संगत को संबोधन करदे श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने संगतान का धन्यवाद किया कि हुम हुमा के गुरु घर में नतमस्तक होने लिए पहुंचिया ने। इस मौके उन्होंने वालों संगत को दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पावन शस्त्रां के दर्शन भी करवाए गए। संबोधन करदे जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने कहा कि अज श्री साहब साढ़े परंपरा का हिस्सा है, पर जिन्हों इसकी अहमियत का नहीं पता वो श्री साहब उत्ते भी पाबंदियां लगाने की गल कर रहे हैं। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का देश है कि हर सिख को अपने घर में कृपान जरूर रखनी चाहिए है, असं गुरु साहब के संदेश को पीछे नहीं छड़ सकते। उन्होंने कहा कि गुरु साहब ने जेकर सानू ककार वजो जबर जुल्म का टाकरा करने लिए कृपान सौंपी है तो सानू इसकी कदर करनी चाहिए है, इसका सत्कार करना साडा फर्ज है। उन्होंने कहा कि राज हमेशा शस्त्रां के अधीन होंदा है। महानता है सिख पंथ के अंदर, सिख परंपरा के अंदर श्री साहब ही है जिसनों सिख परंपरा के कृपान कहा जाता है। यह कृपान ही है जिसने पश्चिम वालों आने वाले हमलावरों का राह रोकिया। इतने हमलावर आते इतों के लोगों लुटते कुटते धन भी लुटते इज्जत भी लुटते बड़े आराम के अपने अपने मुल्कों के वापस चले जाते। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे के हथ अज के दिन ही खंडे पाने की पावन छुका के समझा दिता कि यह जी तलवार है कृपान है ये तुहाडा अंग है, इसका सत्कार भी करना है, इसकी संभाल भी करनी है। जो जुल्म हो रहा हो, जबर हो रहा हो, इसकी सहयोग वरतों भी करनी है। जो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे के हथ अज के दिन टेक पकड़ाई, खालसे ने वो गलां मारियां कि सौ साल के अंदर अंदर खालसे ने अपना विशाल राज भारत में असीं नूं कायम कर लिया। अज ये साडी परंपरा का हिस्सा है श्री साहब, अज साडी लई ये बहुत वड्डा जिहड़ा है, ये एक प्रकार भी है पंज प्रकारां दे विच श्री साहब। पर जिन्हां नूं नहीं पता वो इस तलवार दे उत्ते पाबंदियां लगाउण दी वी गल कर रहे हैं। भारत की एक स्टेट के विच कुछ सिखां दे उत्ते इस करके जिहड़ा है वो आर्मस एक्ट अधीन परचे दर्ज कर दिते गए कि उन्हां दे घरों श्री साहब कृपाना जिहड़ियां ने कुछ प्राप्त होईआं ने। ते साडे तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज का आदेश है कि हर सिख नूं अपने घर दे विच तलवार जिहड़ी है कृपान जिहड़ी है वो जरूर रखनी चाहीदी है। असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज के वचनां दा मुनकर किवें हो सकदे हैं? पर मैं नाल इह वी कहांगा श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो कृपान वजो कि जबर जुल्म का टाकरा करने के लिए सानू कृपान दिती है तो इहदा सत्कार करना भी साडा फर्ज है, इहदा सत्कार करना इहदा अदब करना जिहड़ा है वो साडा फर्ज है। यही हमारा पीर, इहनूं पीर कहा पातशाह ने। और बहुत वड्डी गल साडी परंपरा दे विचों मिलती है कि शस्त्र के अधीन है राज, राज जिहड़ा है वो शस्त्रां दे अधीन है। अज दुनिया के उही मुल्क सब तो वध ताकतवर है जिहदे कोल सब तो वध सैनिक शक्ति है, जिहदे कोल सब तो वध जिहड़े वो खतरनाक हथियार ने, उही मुल्क जिहड़ा दुनिया के विच अपना दबदबा जिहड़ा है वो कायम रखदा है और रख रिहा है।
खालसा के सिरजना दिवस मौके तख्त श्री दमदमा साहब के गुरद्वारा साहब में रखवाए गए पाठ के भोग अज पाए गए। इस मौके श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी मौजूद रहे। उन्होंने खालसा साजन दिवस मौके रोकों के बावजूद तख्त साहब उत्ते नतमस्तक होने वाली संगतों का धन्यवाद किया। समुचे खालसा पंथ को विसाखी की बधाई दी। ये विसाखी का दिहाड़ा सारे ही देश के विदेश में मनाया जाता है। जिनी संगत इतने दमदमा साहब आती इन्नी संगत तख्त केसगढ़ साहब से जाती इन्नी संगत श्री दरबार साहब जाती हर एक स्थान पर यह खालसा साजना दिवस जोड़ा खालसा बढ़ चढ़ के मना पर सरकारां संकोच करना चाहिए। जे तो इस पवित्र सतगुरु जी की गुरबाणी है ना, जिस पापी को मिले ना ढोई शरण आवे तो निर्मल हो। इत्थे तां सारे जिहड़े वो बख्शे जांदे आ के ते गुरु घर की साडी इह परंपरा रही आ। सो परंपरा नूं नमस्कार करन अज चीचे तौर ते संगत पहुँच रही आ ते मैं संगत नूं भी बधाई दिंदा। जिथे खालसा साजना दिवस की बधाई दिंदा उत्थे इस गल की भी बधाई दिंदा वी रोकां तुहाडे लई कुछ भी नहीं गिया। जे कोविड का समा सी तां वी तुसीं तख्त केसगढ़ साहिब ते इस तरह पहुँचते होले महल्ले लई ते अज विसाखी के दिहाड़े ते भी ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਸਾਖੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਮੌਕੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। सिरजना दिवस से मैं सारू लख लख बधाई दिना। हर साल तख्त श्री दमदमा साहब लखां की गिनती संगत आदि है। मैं बड़ा दुख है अज कि पंजाब सरकार ने अपने पुलिस राही इन्ने नाके से अजे इंतजाम किया तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो विच विसाखी मनाई जा रही है। खालसा साजना दिवस मौके अकाली दल मान वालों सरकारी बस स्टैंड लागे सियासी रैली की गई जिस विच अकाली दल मान के वर्करां ने हिस्सा लिया। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं संसद मैंबर सिमरनजीत सिंह मान ने जिथे वारिस पंजाब दे मुखी भाई अमृतपाल सिंह नूं आत्म समर्पण ना करन दा सुनेहा दिता। इस दे नाल ही मान ने कहा कि नौजवानां उत्ते एनएसए लगाउणा गलत है। एनएसए नजायज़ है। अजे तक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई जुर्म का सबूत नहीं आया। जे सबूत होता उसके खिलाफ FIR लिखी जाती। अजे तक कोई सबूत अमृतपाल के खिलाफ दलजीत सिंह कलसी के खिलाफ पप्पलप्रीत के खिलाफ नहीं आया। जबरदस्ती NSA के विच उन्हां नूं फसाया गया है जिहड़ा गैर कानूनी है। जो ईमान सिंह ने हुणे तुहानूं दस्सिया है कि UN दे कानून दे खिलाफ है। इहो जे कानून दे थले किसी की आज़ादी नूं खत्म कर देना। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू और साबका संसद मैंबर प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा अज खालसा साजना दिवस मौके तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे नतमस्तक हुए। इस उपरंत उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात की। चंदू माजरा ने खालसा साजना दिवस और विसाखी दीआं समूह संगतां नूं वधाईआं दित्तीआं। उन्होंने तख्त श्री केसगढ़ साहब के स्थान उत्ते साहिबे कमाल वालों सब तरह के बखरेवे खत्म करके ऊंच नीच अते जात पात नूं खत्म करदिआं खालसा पंथ की साजना करन दी कहानी भी सांझी कीती। उन्हें कहा कि अज जदों समुचा खालसा पंथ तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे नतमस्तक होने लई पहुँच रहा है तो सरकार के हुक्म उत्ते पुलिस प्रशासन वालों संगत को कथित तौर पर तंग परेशान किया जा रहा है तो उन्हें तलाशियां लई जा रही ने। श्री आनंदपुर साहब की महान पवित्र धरती श्री केसगढ़ साहब से मैं समुचे संसार भर के देश भर के और पंजाब के समूह नानक नाम लेवा खालसा पंथ न अज खालसा पंथ के सिरजना दिवस की लख लख मुबारकबाद देना और खुशी भी महसूस करदा कि केसगढ़ साहब की इस महान पवित्र धरती श्री आनंदपुर साहब से विसाखी का दिहाड़ा मनाने लिए असी हर साल आने और गुरु गोबिंद सिंह साहब की महान सोच से पहरा देने वचनबद्धता दोहरा के जाने।
अज हर साल की तरह विसाखी के त्यौहार से श्रद्धालु श्री आनंदपुर साहब की धरती से तख्त श्री दमदमा साहब की धरती से श्री अकाल तख्त साहब से होर हर गुरद्वारा साहबाना के श्रद्धा सत्कार नाल मत्था टेकन जा रहे हैं। पर मैनू बड़ा अफसोस आ कि अज पंजाब की सरकार ने जिमें पिछले दो तीन दिनों तो दहशत का माहौल पैदा किया गुरद्वारा साहबाना और खास तौर पर पंजाब के डी जी पी साहब ने श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब की फोटो पिछे आ रही थी मत्था टेक के बाहर निकलद्या जिस तरह धर्म स्थाना की दुरवरतों कर बयान दिता उन्हें सिख हर हिरद्या बहुत बड़ा रोस से गुस्सा पैदा किया। जलंधर लोग सभा सीट उत्ते 10 मई होने वाली जिमनी चोण लैके सियासी अखाड़ा पूरी तरह भग गया। इस दे नाल ही सियासी पार्टियों के अगुआ वालों दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। जलंधर में भारतीय जनता पार्टी ने उस वेले वड्डा झटका लग्या जदों पार्टी के सीनियर आगू महेंद्र भगत आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। महेंद्र भगत को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया तो इसकी बकायदा जानकारी दी। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आखिरकार अज विजिलेंस दफ्तर में विजिलेंस अधिकारियों सामने पेश हुए। उन्होंने को विजिलेंस अधिकारियों वालों पिछले कई घंटों तो लगातार पूछगिछ की जा रही है। चरणजीत सिंह चन्नी को आमदन तो वध जायदाद के मामले में पूछगिछ की जा रही है। विजिलेंस दफ्तर में पेश होने तो पहले उन्होंने वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिस में उन्होंने अपनी जान को खतरा दसिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उन्होंने झूठे केस में फसाया जा रहा है और जेकर उनका दोष निकलता है तो उन्होंने फांसी उत्ते लटका दिया जाए। जिला हैरीटेज सोसायटी वालों शिव कुमार बटालवी कल्चरल सेंटर में एक सभ्याचारक समागम का आयोजन किया गया जिस में पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक मुख मेहमान के तौर उत्ते शामिल हुए जिथे उन्होंने समागम की प्रशंसा की उत्थे उन्होंने विसाखी के दिहाड़े की बधाई दी। उन्हें कहा कि जलियांवाले बाग में कई पंजाबी 1919 में शहीद हुए सन तो उन्हों की शहादत में भी सजदा करना बनता है। उन्हें कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रंगला पंजाब बनाने लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। विशेष तौर पर क्योंकि अज विसाखी का दिहाड़ा सो विसाखी पंजाब के जिहड़ा जनमान साहब के जीवन के अंदर एक बड़ी वड्डी भूमिका है। विसाखी की विसाखी केवल साड़ी फसल नाल जुड़े त्यौहार नहीं फसलों का मोह भी सानू इस दिन के उत्ते जागदा जदों किसान विसाखी के उत्ते अपनी फसल वढ़न की तैयारी करता। सो दो अहम घटनावां जिहड़ियां इस दिन के उत्ते वापरियां ने 13 अप्रैल 1919 अज के दिन जलियांवाले बाग के अंदर जनरल डायर ने नहत्थे पंजाबियों के उत्ते अन्नेवाह फायरिंग करके सैकड़े पंजाबियों शहीद किया सीगा और जिहड़े आज़ादी की मांग कर रहे सन। सो उन्हें आज़ादी के अंदोलन बड़ी वड्डी भूमिका अदा की उस नरसंहार ने। सो दूसरा अज के दिन ही खालसा पंथ की सर मतलब जी सरजना होंगी है मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी वालों समाज के उन्होंने दबे कुचले लोगों को एक मार्ग एक मंच मुहैया किया कि वह भी अपनी जिंदगी के अंदर सुपनों को देखने का जोड़ा संजोग सुबई बैठे है उन्होंने एक मंच दिता खालसा पंथ की सृजना हुई। बड़ा इतिहासक मतलब घटनाक्रम सेगा। सो इनू समर्पित अज जो इतने प्रोग्राम रख्या गया। सो मैं महसूस करता कि मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जिस तरह पंजाब नू रंगला पंजाब बनाने का वो सुपना लैके तुरे आ और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीम राव अंबेदकर के 132वें जन्मदिवस मौके जिला प्रबंधकी कंपलैक्स विखे डिप्टी कमिश्नर साक्षी सानी की अगवाई में करवाए गए एक समागम दौरान जिला प्रशासन वालों डॉक्टर अंबेदकर को श्रद्धा के फुल भेंट किए गए। साक्षी सानी ने कहा कि डॉक्टर अंबेदकर वालों भारतीय संविधान के निर्माण समेत आधुनिक भारत भारतीय समाज से खास करके महिलावान समेत समाज के पछड़े दब्बे कुचले लोगों के विकास में पाए योगदान सदा याद रखा जाएगा। उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई हेठ पंजाब सरकार डॉक्टर बी आर अंबेदकर के पाए पूर्ण उत्ते चलते हुए समाज के हर वर्ग के लोगों की भलाई लिए वचनबद्ध है। अज असी जिला प्रबंधकी कॉम्पलैक्स के पटियाला डॉक्टर बी आर अंबेदकर जी का जयंती मना रहे हैं। उन्होंने याद के अज असी इतने सारे इकट्ठे हुए हैं तो सानू सारे पता ही है कि डॉक्टर अंबेदकर वालों जिहड़ा संविधान साडा बनाया गया वो सब तो फास्ट प्रोग्रेसिव ते इक्वल राइट्स ते बेस्ड एक संविधान सीगा ते असी सारे ही कोशिश करते हैं जदों असी भी ओथ लैंदे हैगी हैं जां इवन एज सिविल सर्वेंट्स असी ओथ लैंदे असी हमेशा यही कहें कि असी कॉन्स्टिट्यूशन नूं प्रोटेक्ट करांगे क्योंकि उतों ही साड़ी सारियां राइट्स आईयां ने
तो डॉक्टर अंबेडकर के जिहड़े विचार सीगे वो बहुत ही अगावादू सीगे ते उन्होंने जिहड़ा औरतों लई बहुत बहुत ही ज़्यादा उपराले किए सीगे उन्होंने इक्वालिटी ते इक्वल राइट्स लई ते मैं हरेक सिटीजन नूं इह कहांगी कि अज उन्हां दी याद दे विच असीं उन्हां दी जिहड़ी विचारधारा सीगी उह जरूर असीं उस बारे सोचिए ते जाणीए ते जिहड़ी इक्वल राइट्स साडी कॉन्सटीट्यूशन सानूं दिंदी है वह एक बुक हैगी है ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਰਾਈ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨੀ ਬਰਾਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੈਬ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਰਾਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦਘਾਟਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਆਧੁਨਿਕ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਓਐਸਟੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਟੈਸਟ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸੋ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 84 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਵਾਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਵਾਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 50-60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਟ ਰੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੁਛ ਟੈਸਟ ਫਰੀ ਨੇ ਕੁਛ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਛ 10 ਰੁਪਏ ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ ਈ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਨੀ ਓਬਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਨੀ ਓਬਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿਓ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਨਵਾਲੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲ ਗਿਆ
इस घटना में बनवालीपुर का रहने वाला एक व्यक्ति गोली लगन करके गंभीर रूप में जख्मी हो गया, जबकि जख्मी हरपाल सिंह नूं इलाज लई हस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना स्थान उत्ते पहुंची पुलिस ने गोलियां दे खोल अते जिंदा रौंद कब्जे में लेके कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन फिलहाल नहीं जाते जाते नज़र मारदे मौसम के हाल से, तुसीं बने रहो चढ़दी कला टाइम टीवी के नाल। धन्यवाद।